नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चिडोरा पॉइंट की एक और फूड कंपैरिजन वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं डोमिनोज के फार्म हाउस पिज्जा का कंपैरिजन। बिल्कुल। और दोस्तों, मेरे को जहां तक लगता है आज की वीडियो बहुत हटके और बहुत अलग होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब तक इस तरीके की वीडियो पंकज किसी ने भी नहीं बनाई है। बिल्कुल भी नहीं बनाई, क्योंकि काफी सर्च किया मैंने कि किसी ने बनाई हो, मेरे को तो नहीं मिली। तो मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ कि हम थोड़ा सा इसको अलग हटके क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, पिज्ज़ा तो हमने एक ही मंगवाया है, फार्म हाउस पिज्ज़ा, लेकिन डोमिनोज जो है पांच तरीके के बेस बनाता है, तो हमने वो पांचों बेस यानी कि जो क्रस्ट कहते हैं जिसे इंग्लिश में, हमने वो पांचों डिफरेंट क्रस्ट आप लोगों के लिए मंगवा लिए हैं और यहाँ हम टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि भैया पांचों में फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है, टेस्ट किसको कौन सा बढ़िया लगता है। बिल्कुल, आज हम यही चेक करने वाले हैं कि हमें इन पांचों में से किसका बेस जो है ज़्यादा स्वाद लगता है, टेस्ट में बढ़िया लगता है। बिल्कुल भाई, इतनी मेहनत और इस तरीके की यूनिक वीडियो के लिए तो एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर बनता है भाई। मैं तो ये सोचता हूँ यार कि पंकज इस वीडियो को जो है ना कम से कम 500 लाइक और 200 कमेंट यार आने चाहिए। इतनी मेहनत करके हम इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो इतना तो भाई हमारा हक बनता है। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, अब आपको फटाफट जो है ना इन सारे पिज्जास की क्लोज लुक दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा फार्म हाउस HT मतलब हैंड टोस्ट जो है पिज्जा, इसकी लुक देखते हैं दोस्तों। वाह भाई वाह यार, पंकज क्या लुक है भाई, और बेस देख कितना हैंड टोस्ट का हैवी लग रहा है यार। और बिल्कुल बढ़िया तैयार हुआ हुआ है, कैप्सिकम है, टमाटर है, ऑनियन नजर आ रहा है, और ये क्या है, मशरूम है, ग्रिल्ड मशरूम। भाई बहुत जबरदस्त पिज्जा लग रहा है पंकज, क्या लुक आई है यार इसकी। लुक तो भाई बहुत बढ़िया है। चल भाई अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पिज्जा है। तो जी दोस्तों, ये है हमारा, यार ये बीयू लिखा हुआ है पंकज, चीज बस्ट। देखते हैं ये इसकी लुक कैसी है यार। इसको पहले मैं आराम से चक्कू लेने की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, खोलो भाई, खोल। ओ हो भाई साहब, क्या बढ़िया पिज्जा लग रहा है पंकज, और इसका बेस भी भाई फुल्ली लोडेड है, और इसका यार वजन है भाई, वजन इसलिए क्योंकि इसके अंदर लिक्विड चीज होगा ना अंदर। अच्छा भाई, बाकी तो यार फार्म हाउस पिज्जा सारे के सारे फार्म हाउस ही हैं, तो ऊपर जो मटेरियल है, जो टॉपिंग्स है, वो बिल्कुल सेम है, तो लुक वाइज तो यार ये भी बिल्कुल सेम ही लग रहा है, बस ये है कि इसका बेस थोड़ा हैवी है और पिज्जा भी भाई हैवी लग रहा है, उससे डबल वेट है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा पैन पिज्जा, फ्रेश पैन पिज्जा, इसको खोलते हैं भाई, देखते हैं इसके जो है फार्म हाउस पिज्जा की लुक कैसी आती है और बेस कैसा है। खुल जा भाई। अरे वाह यार, मेरे को तो भाई पंकज सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं यार, ये पैन पिज्जा है। भाई लुक तो इसकी भी बिल्कुल सेम ही लग रही है, कुछ खास अलग दिख नहीं रहा, बाकी तो टेस्ट में पता चलेगा। बाकी भाई ऊपर मटेरियल जो है, टॉपिंग्स तो बिल्कुल सेम है। तो चलिए दोस्तों, अब फोर्थ पिज्जा ओपन करते हैं और देखते हैं उसकी लुक कैसी है, उसका बेस कैसा है। तो जी ये है हमारा फोर्थ पिज्जा, सेम फार्म हाउस पिज्जा, इसका बेस है न्यू हैंड टोस्ट, इसको खोलते हैं, मैं चक्कू साइड पे रख दूँ। इसका कैसा है भाई, यार ये पंकज कहीं उन्होंने सारे सेम तो नहीं दे दिए भाई, कुछ डिफरेंट लग रहा है। बाकी यह है कि हाँ बेस इसका भी काफ़ी हैवी है, हैवी है, बाकी टेस्ट पता चलेगा कि कैसा आएगा भाई इसका भी। भाई हैंड टोस्ट में दो तरीके के आते हैं, ये न्यू हैंड टोस्ट है, उससे पहले हमने क्लासिक हैंड टोस्ट दिखाया है, तो देखते हैं भाई ये तो खाने में ही पता चलेगा पंकज की फिर भाई कोई फर्क है, क्लासिक में फर्क क्या है। हाँ ये तो नहीं कि भाई सिर्फ नाम चेंज कर दिया और चीज वही सेम की सेम देते जा रहे हैं। तो जी ये हमारा पांचवा पिज्जा है, इसका नाम है TC यानी कि थिन क्रस्ट, और ये वीट का बना हुआ है। तो जी इसको खोल के देखते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता दूँ कि ये हमारा मीडियम साइज़ है, जो थिंक क्रस्ट जो है ये मीडियम साइज़ में ही आता है, रेगुलर में नहीं आता। पहले चार जो हमने आपको दिखाए थे वो रेगुलर थे। ओहो, क्या बात है भाई, थिंक क्रस्ट ये लगा है वाकई में भाई। एक चीज बस में फर्क लग रहा था और एक इसमें फर्क लग रहा है, मतलब नाम बोला है तो यार कुछ डिफरेंट लगना तो चाहिए भाई पंकज। इसका बेस देख, ऑलमोस्ट बिल्कुल रोटी की तरह, इतना पतला दिखा थोड़ा सा वो कर ये देख, है ना
बिल्कुल बिल्कुल ही मोटी पतला है। यार, और कॉर्नर्स तो बिल्कुल काफी हार्ड लग रहे हैं भाई। भाई मुझे तो पंकज ये यार बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। और लुक इसकी बहुत प्यारी आई है। दोस्तों हमने आपको जो है पांचों पिज्जा की लुक दिखा दी है, पिज्जा एक ही है फार्म हाउस पिज्जा, बिल्कुल लेकिन पांचों के क्रस्ट जो है वो अलग है, बेस सबके अलग अलग है, और अब बारी है इनको टेस्ट करने की और आपके साथ इसका टेस्ट शेयर शेयर करने करने की। की। सबसे पहले जो हम पिज्जा ट्राई करने वाले हैं ये है क्लासिक हैंड टोस्ट पिज्जा। भाई इसकी लुक तो पंकज बहुत जबरदस्त है, बेस बहुत जबरदस्त कुक हुआ हुआ है, और खुशबू ना भाई हमारे कमरे में इतनी जबरदस्त फैल गई है। तो चलो जी अब बारी है इसको टेस्ट करने की, करें भी स्टार्ट। बिल्कुल करते चलो, हैं। बेस जो है वो बहुत जबरदस्त सॉफ्ट है, चीज का फ्लेवर अच्छा है, कैप्सिकम वेजिस बहुत का, स्ट्रांग है। हाँ कैप्सिकम वही कह रहा हूँ, वेजिस का फ्लेवर बहुत ज्यादा है, ठीक है, मशरूम का नहीं आया मुझे टेस्ट। बहुत बढ़िया, बेस देख रहे हो कितने आराम से कॉर्नर तक जो है बेस बिल्कुल बहुत सॉफ्ट है भाई। नरम है, बहुत। कई बार क्या होता है ना बेस खाने में मजा नहीं आता, बेस भी बहुत सॉफ्ट है भाई, मुझे तो ओवरऑल बहुत स्वाद लगा, और सही चीज़ में है, हल्की सी तेरे को खटास लगी, खटास लगी है। मुझे भी लगी, बहुत बढ़िया लगा चीज़, और चीज़ की क्वांटिटी जो है ना वो भी बहुत अच्छी थी, थोड़ा और ज़्यादा अगर गर्म होता ना तो मेरे ख्याल से और मज़ा आता। मतलब कॉर्नर भी खाने में ना अच्छा हाँ लग रहा है। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है उसका। तो जी हमने क्लासिक हैंड टोस्ट जो है उसका टेस्ट कर लिया है, सेकंड पिज्ज़ा की बारी है और उसका नाम है पंकज। न्यू हैंड टोस्ट। तो भाई अब देखते हैं क्लासिक हैंड टोस्ट और न्यू हैंड टोस्ट में जो है फर्क क्या है। बिल्कुल। तो चलो जी न्यू हैंड टोस्ट को ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। दिखने में तो एकदम बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल, मुझे तो एक पैसे का भी फर्क नहीं लग रहा, मेरे को भी नहीं लग रहा। क्लासिक हैंड टोस्ट में और न्यू हैंड टोस्ट में कोई फर्क नहीं है, बस शायद अगर प्राइस का फर्क हो तो हो, बाकी टेस्ट में मुझे कोई फर्क नहीं लगा, एक पैसे टेस्टी का क्या, है, टेस्टी तो है। बहुत स्वाद है, मज़ा आ गया खा के, लेकिन उसके और इसके में अगर क्रस्ट अगर हमने डिफरेंट किया है तो उसका कुछ पता नहीं चला। तेरे को कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सेम है बेस, सेम बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट है, बहुत स्वाद है बेस भी, आपको वेजिस की ना इसमें कोई कमी नज़र नहीं आएगी, वेजेस बहुत है। फार्म हाउस पिज़्ज़ा भाई खा के मज़ा आ गया। तो भाई हमने दो पिज़्ज़ा तो पंकज खा लिए, क्लासिक हैंड टोस्ट और न्यू न्यू हैंड हैंड टोस्ट, टोस्ट तो भाई दोनों में हमें तो कोई खास फ़र्क लगा नहीं, दोनों ही स्वाद बहुत स्वाद है, बहुत है। बहुत मज़ा आ गया खा के। अब बारी है पैन पैन पिज़्ज़ा ट्राई की, करते हैं। लाओ जी। ये है भाई, भाई मैं तो सच बताऊं मुझे इसको तो तो खाने से पहले ही लग रहा है अलग, लग रहा है अलग। बिल्कुल अलग। वाह भाई वाह यार, वेजेस तो भाई थोक के भाव डाल रखी है, और वजन देख रहा है, वजन भी है। बिल्कुल है। तो दोस्तों अब बारी है फार्म हाउस पैन पिज्जा। भाई वेजेस के यार मैं मतलब 100 में से ना 100 दूंगा, बिल्कुल, और फ्लफी फुल भी है, यार, उससे ज्यादा बस है। इसका कॉर्नर जो है वो हार्ड है भाई थोड़ा सा, और देख रहा है मतलब वो पैन की वजह से ना कॉर्नर बिल्कुल वो है। कॉर्नर बहुत बढ़िया से बना हुआ है। तो भाई अब इसको बारी है टेस्ट करने की, और इसके अंदर मेरे को एक चीज़ जो अच्छी लग रही है, इसमें मेरे को थोड़ा सा चीज़ ज़्यादा लग रहा है उनके दिखने में, है ना, तो बाइट लेते हैं तभी पता चलेगा, इसमें फ़र्क पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि पैन पिज़्ज़ा है। वो जितना सॉफ्ट था ना हाँ, ये थोड़ा सा हार्ड है। भाई पैन पिज्ज़ा का पंकज मज़ा आ गया भाई, इसका लगा थोड़ा सा कि अलग है, अलग टेस्ट है ना, थोड़ा सा ऑर्गेनो ऊपर डाल लो ना और टेस्ट बढ़ जाता है, नहीं बिल्कुल आज तो मज़ा आ गया भाई। भाई। आप जिसने भी बनाए बढ़िया बनाया। आज बनाने वाले ने जो है ना दिल खोल के पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया बनाया है, आज डोमिनोज को 100 में से 100, और बनाने वाले को खास करके, क्योंकि क्योंकि सारा बना। डोमिनोज की तारीफ तभी हो रही है कि बनाने वाले ने पिज्ज़ा बहुत बढ़िया बनाया, नहीं। तो जी पैन पिज़्ज़ा के बाद अब बारी है चीज़ बस्ट की, और फटाफट इसको भी ट्राई करते हैं भाई, गरम कर लिया है हमने इसको थोड़ा सा कि ज़रा मज़ा आ जाए खाने में, और भाई साहब
भाई साहब बढ़िया एकदम आने लग गया, इसी वजह से ही मजा आएगा, लेकिन गर्म है अभी, गरम ध्यान बहुत से। है भाई एक बात है पंकज, क्या। भाई इसका वेट यार, मतलब पहले तीनों वालों को भी फेल कर गया, वेट तो और है भाई भी। तेरी देख चीज की लेयर्स कैसे चल मजेदार, भाई मजा आ गया इसको तो यार देख के पंकज। टेस्ट करते हैं फिर लेकिन उससे पहले एक बात है भाई, क्या, मतलब तो एक चीज नोट कर रहा है, जितना बेस का साइज है ना उतनी चीज के लिए रहा है। उसके, बल्कि मुझे लग रहा है उससे भी ज्यादा है, हाँ चीज अच्छा की ही लेयर है, बहुत बहुत बढ़िया जबरदस्त डली हुई और है, जबरदस्त अंदर गर्म है। गरम भी बहुत है और अंदर मेल्टेड चीज पता चल रहा है। दोस्तों आप लोगों को जो है ना ये चीज बस पिज्जा की जो लुक दिखा रही तो भाई बनती है, आप देखो जितना बेस है ना उतना ही अंदर उसके ऊपर चीज है, मेल्टेड चीज है, मतलब इतनी मोटी लेयर तो ना यार चीज की है बंगा, देख रहा है हाँ बहुत जबरदस्त टेस्ट, तो बड़ा मजेदार आने वाला है इसमें, तो भाई अब मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, इसको टेस्ट करते हैं। तो जी अब बारी है इस चीजी पिज्जा को टेस्ट करने की, चलो बंगा जी। ओए होए होए मजा आ गया, जबरदस्त। जबरदस्त, क्या चीज, मेल्टेड चीज, उसके ऊपर हार्ड चीज जो वो है मोज़रेला। मोज़रेला, ठीक है, और ऊपर से मशरूम, कैप्सिकम का फ्लेवर, सब कुछ धमाकेदार। भाई ये ज्यादा गर्म में मत खा लेना, बाकी भाई ये पिज्जा तो यार मेरा दिल जीत लिया इसने, हर बाइट में चीज का बहुत जबरदस्त फ्लेवर है, जिन लोगों को चीज पसंद है ना वो तो खुश हो जाएंगे भाई, देख रहा कॉर्नर तक चीज का है भाई। बिल्कुल, जिन लोगों को कंप्लेंट होते हैं ना, वही कॉर्नर खाली होते हैं, उनके लिए चीज़ बस सबसे बढ़िया है। आज तो डोमिनोज ने भाई दिल खुश कर दिया, और सबसे ज्यादा थैंक यू बनाने वाले को, बिल्कुल, कि चीज़ डालने में हाथ खुला रखा। हर चीज सब्जियां वगैरह सब कुछ है। बेस बिल्कुल परफेक्ट बनाए हुए हैं, वेजेस भाई साहब बहुत बढ़िया डाली हुई हैं, बिल्कुल चीज डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करी, और जो ये हमने खाया अभी चीज बस सुपर डुपर सुपर हिट, मजा आ गया। तो जी अब रह गया हमारा लास्ट पिज्जा, फार्म हाउस पिज्जा थिन क्रस्ट, व्हीट थिन क्रस्ट है हाँ भाई, अब इसको फटाफट बांटते हैं। भैया, तो बिल्कुल रोटी है। बिल्कुल यार एकदम बिल्कुल ना ऐसे वो देख रहा है, मतलब एकदम बेस जो है ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही पतला, कॉर्नर हार्ड है भाई, शायद मुझे नहीं लगता कॉर्नर कि तू तो खा हाँ पाएगा, और शायद ये भी अगर पूरा फुल गर्म होता ना तो लग रहा है भाई थोड़ा सा चीज़ पुल इसमें भी हो जाता। तो जी अब बारी है इसको टेस्ट करने की, और आपको बताते हैं कि ये वाला पिज़्ज़ा हमें कैसा लगता है, लेकिन उससे पहले एक बात आपको और बता दें कि ये जो व्हीट थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है ये नॉर्मल साइज़ में, मतलब रेगुलर साइज़ में नहीं आता, ये आपको मीडियम साइज़ में ही मिलेगा, बिल्कुल। ठीक है जी, करें टेस्ट, बच्चे रेडी, ओ रेडी कि खो गई, रेडी। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे रोटी के ऊपर ही चीज वगैरह है। इसमें बेस का कोई स्वाद नहीं है, ठीक है, सिर्फ वेजिस का टेस्ट आ रहा है, और मतलब बेस आपको समझना पड़ रहा है कि शायद कि खाया क्या है, सही बात कुछ है। समझ में आया तेरे को? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को भी नहीं समझ में आया, इसमें तो भैया ऑर्गेनो डालना पड़ेगा यार, हमने ये लास्ट में रखा था, बता हाँ लास्ट में हमें जो है ना ये वाला रखना चाहिए था, चीज बस। चीज बस एक स्लाइस पड़ी हुई है, लास्ट में अब बांट लेंगे थोड़ी थोड़ी सी है। तो जी अब इसको दोबारा टेस्ट करते हैं, शायद अब मजा आए। भाई मेरे को तो बस ये पता चल रहा है कि ये पतला है। बेस का स्वाद नहीं आ रहा कुछ ना, भी नहीं आ रहा। मतलब कुछ शायद ज्यादा ही पतला कर दिया, आई थिंक थोड़ा तो छोड़ना चाहिए था यार, बिल्कुल पापड़ी लग रही है ना बिल्कुल। उसको ना, उसने इतना जबरदस्त थिन कर दिया है कि भाई अब तुम ढूंढते रह जाओ कि कहाँ गया। लेकिन यार स्वाद है, मतलब वेजिस का तो स्वाद आ रहा है, नहीं कॉर्नर भी सही है, खाए जा रहे हैं। कॉर्नर मेरे को लग रहा था कि हार्ड होगा, लेकिन वही खाने में ज्यादा मजा मजा आया आ रहा है। है ना, ये रोटी की तरह है, इसको ऐसे फोल्ड करो, और खा बाइट जाओ। बनाओ और खा जाओ। मेरे तो नहीं हो रही ऐसे। दोस्तों आपको ये वाला पिज्जा जो है ना, व्हीट थिन क्रस्ट पिज्जा, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने रोटी के ऊपर सारी टॉपिंग्स लगा ली, चीज लगा लिया, और आप उसको खा रहे हो, खा रहे हो। मजेदार है, मतलब अगर आपको सिर्फ वेजीज का फ्लेवर लेना है ना तो हाँ ये वाला बेस मंगवा लो भाई, अगर आपको ये फ्लफी बेस
पसंद नहीं आते तो। बाकी भाई मैं तो अपना ओवरऑल यार फाइनल कर चुका हूँ मंगज। मैं भी कर लिया। तेरा बेटा, तेरे को कौन सा वाला बेस्ट ज्यादा लगा? मेरे को सबसे ज्यादा पहले पे डालूंगी इसको, फिर अच्छा, ये दूसरे चीज नंबर वाला। पे ये वाला, फिर हैंड टोस्ट। तीसरे नंबर पे ये वाला, ओके, ये भी हैंड टोस्ट, वो न्यू, ये क्लासिक। और सबसे लास्ट में ये सबसे लास्ट वाला। में ये वाला। भाई अब तो ये ना पक्की वाली भाई फूडी बन गई है, इसको रिव्यू बिल्कुल देना आ गया है ना। सही बात है। हमसे भी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे ऐसा लगता है लोग हमें सुनना बंद कर देंगे, कहेंगे भाई बिल्कुल, इसने इसी का बोल रिव्यू दिया ले लो। चलो चैनल बंद करो निकलो यहाँ से। है तो जी पंकज, अब तू भी बता ही दे यार। चल। भाई सबसे बढ़िया चीज बस्ट, उसके बाद पैन पिज्जा, उसके बाद मेरे को लगा न्यू हैंड टोस्ट, फिर क्लासिक, और फिर ये थिन क्रस्ट। मेरा भी दोस्तों लगभग बिल्कुल सेम ही है। चीज़ बस्ट वाकई में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात ये लगी कि यार उसका वो हैवी बहुत था और हैवी चीज़ है इतना ज़बरदस्त था कि मज़ा आ गया, भाई, उसका रेगुलर अकेले बंदा खाए तो पेट भर जाएगा बड़े आराम आराम से से। भर जाए। उसके बाद मुझे ये दोनों क्लासिक हैंड टोस्ट और ये इक्वल लगे, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप चाहे क्लासिक ले लीजिए और चाहे वो न्यू हैंड टोस्ट, क्या फ़र्क उन्होंने किया ये तो बनाने वाला ही जानेगा, लेकिन खाने में एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं है। बाकी पैन पिज्ज़ा तो भाई जैसा आता है वो बिल्कुल वैसे का वैसा है, उसका टेस्ट बिल्कुल एकदम पैन पिज्ज़ा वाला ही है। बाकी अगर मुझे कोई जो पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा वो ये वाला लगा, थिन क्रस्ट वाला। तो मतलब अगर इसका बेस थोड़ा सा और, लेकिन फिर वो थिन वैसे वाली भी बात थिन क्या रह क्रस्ट जाएगी। रहेगा ही नहीं बिल्कुल भाई, थिन क्रस्ट वालों की भी ना अपनी चॉइस है, कई लोगों को स्पेशली थिन क्रस्ट ही खाना मांगते पसंद हैं है। क्योंकि उन लोगों को पंकज वेजिस ज़्यादा पसंद आती हैं, वो चाहते हैं कि वेजिस का फ्लेवर ज़्यादा आए, भाई जिन लोगों को थिन क्रस्ट पसंद है उनको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी हमारी पसंद तो यार इतना हैवी वाले फ्लफी, ना, थोड़ा सा बेस ऐसा होना लोडेड चाहिए, हो, फ्लफी हो। चीज़ी हो और टॉपिंग्स जो है दबा के पड़ी हुई हो, कि मतलब सस्ते में ऐसा पिज़्ज़ा बना दे कि जैसे सबसे महंगा वाला खा रहे हैं। हमारी बिल्कुल ख्वाहिश तो भाई वैसी वाली होती है। बाकी दोस्तों आपको जो इसका प्राइस जो है ना हम डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, बीच में वीडियो के बीच में भी प्राइस आ गया होगा। और उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है यार, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में इस तरीके की कोई वीडियो अभी तक डली हुई है। तो आप लोगों का भी दोस्तों फ़र्ज़ बनता है कि यार आप हमें सपोर्ट करें, लोगों को बताएं कि भाई इस तरीके का भी एक चैनल है जो नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा है। बिल्कुल, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।